गुंजन दीक्षित। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से काली कमाई के कुबेर निकले हैं। सरकारी अधिकारियों के पास से करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। पहले बात करते हैं भोपाल के एनआरएचएम अधिकारी ऋषभ जैन के ठिकानों पर हुई छापेमारी के बारे में, जहां छापेमारी के दौरान करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। ऋषभ जैन के पास से सोने की ईंट भी बरामद हुई है, साथ ही कई जमीनों के दस्तावेज भी मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ मुरैना में निगम लेखपाल संतोष शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की गई। लोकायुक्त की तीन टीमों की छापेमारी हुई। छापेमारी के दौरान करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। संतोष शर्मा के घर से करोड़ों के गहने भी जब्त हुए। गहनों की कीमत जानने के लिए स्वर्णकार को बुलाया गया। रेड के दौरान कैश मिलने की भी खबर सामने आई है। अब ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो है ऋषभ जैन के घर पर छापे की तस्वीर है, भोपाल की ये तस्वीर है। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मुरैना की तस्वीर है, जहां पर डीके जैन के यहां पर छापा मारा गया है। छापेमार कार्रवाई मुरैना में अभी भी जारी है। मुरैना और ग्वालियर में अफसर के घर लोकायुक्त का छापा मारा गया। नगर निगम के लेखा अधिकारी के तीन ठिकानों पर यह छापा मारा गया। अभी तक 8 लाख नगद जेवर और प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं। रिपोर्ट आप देखिए। मुरैना में अफसर के घर छापा। नगर निगम के लेखाधिकारी के तीन ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा। 8 लाख नगद जेवर और प्रॉपर्टी के कागजात मिले। बुधवार सुबह लोकायुक्त की टीम ने मुरैना नगर निगम के अकाउंटेंट संतोष शर्मा के मुरैना ग्वालियर स्थित तीन निवास स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की। मुरैना नगर निगम के लेखाधिकारी संतोष शर्मा के तीन ठिकानों पर बुधवार सुबह लोकायुक्त ने एक साथ छापा मारा। मुरैना के बसंत विहार बंगले से 8 लाख कैश और सोना जेवर मिले हैं। टीम ने नैनागढ़ स्थित ट्रैक्टर की एजेंसी और ग्वालियर तारागंज स्थित उसके मकान पर भी कार्रवाई की। अभी कार्रवाई चल रही है। संतोष शर्मा मुरैना के लेखाधिकारी के पद पर पिछले 10 वर्षों से जमे हैं। इससे पहले वे कैलारस में सीएमओ के पद पर पदस्थ थे। छापे के दौरान संतोष के घर से 8 लाख रुपए, 500-500 के नोटों की गड्डियां मिली हैं। सोना चांदी के जेवर भी मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा 3 कारें भी घर से मिली हैं। मुरैना के बैंक में 1 लॉकर भी मिला है। लोकायुक्त की टीम संतोष शर्मा से पूछताछ कर रही है। इस समय टीम के सदस्य नगर निगम कार्यालय में आ चुके हैं। यहां वह संतोष शर्मा के कागजातों की जानकारी निकाल रहे हैं। न्यूज स्टेट के लिए मुरैना से सोमदत्त गौतम के साथ ग्वालियर से विनोद शर्मा की रिपोर्ट। और हमारे संवाददाता नितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेंद्र, एक के बाद एक लगातार इसी तरीके के मामले सामने आते जा रहे हैं। अगर कुछ ही दिनों में देखें तो 3 मामले सामने आ गए हैं। भोपाल के मामले की ही अगर बात करें तो आखिर कब तक इसी तरीके से धन कुबेर सामने आते रहेंगे, और अगर सामने भी आते हैं तो इन पर कार्रवाई उस तरीके से क्यों नहीं होती कि आगे किसी भी इस तरीके का मामला सामने ना आए? देखिए गुंजन, अगर पिछले एक माह को देखा जाए तो पिछले एक महीने में 5 लोकायुक्त के छापे पड़ चुके हैं, और जिस जिस अधिकारी के यहाँ छापे पड़े हैं उसके यहाँ करोड़ों की संपत्ति मिली है। कल ही जो ऋषभ जैन के यहाँ जो छापा पड़ा है, जो प्रभारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं एनआरएचएम में, उनके यहाँ भी करोड़ों के 37 तो उनके यहाँ रजिस्ट्री मिली है जमीनों की और मकानों की। तो उससे साफ है कि उनके यहाँ कितने बड़े पैमाने पर वो जो है वो पिछले कई दिनों से भ्रष्टाचार कर रहे होंगे। कई सालों से पैसा कमाया गया होगा, क्योंकि एक दिन में तो इतना पैसा कमाया नहीं जा सकता। सोने की ईंट और 87 लाख रुपये के जेवरात मिले हैं। तो इससे साफ है कि जो भी भारत सरकार से पैसा आ रहा था अस्पतालों के निर्माण कार्य के लिए और अस्पतालों की मरम्मत के लिए, उनमें से एक निश्चित राशि ऋषभ कुमार जैन की जेब में जा रही थी। क्योंकि कल भी जो मामला हुआ जिसमें वो पकड़ाए गए, उसमें उन्होंने 30 लाख के पेमेंट के बदले 3 लाख रुपए की मांग की थी। तो इससे साफ है कि वो 10% कमीशन लेते थे। तो आप ये मान लीजिए कि जो करोड़ों की राशि आ रही थी भारत सरकार से जो अस्पतालों के निर्माणों के लिए, उस राशि का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा था, इस छापे से साबित हुआ है। क्योंकि और भी जो स्थान है वहां पर भी जो है जो अस्पतालों के निर्माण कार्य, क्योंकि कोरोना काल में काफी राशि भारत सरकार जो है वो अस्पतालों के लिए दे रही है, तो ऐसे में इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी किस प्रकार उस राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस छापे से सामने आया है। ठीक है नितेंद्र, बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता दुर्गेश भी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, अगर देखें तो लेखपाल से लेकर इंजीनियर तक हर कोई भ्रष्ट अब नजर आ रहा है, तो क्या ये समझे कि भ्रष्टाचार अब एमपी में अपने पैर पसारता जा रहा है? Thank you.
आप बिल्कुल गुंजन, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब कोई अधिकारी की घर छापा पड़ा है और करोड़ों की संपत्ति मिली है। इसके पहले मध्य प्रदेश में तमाम जितने अधिकारियों के घर छापे पड़े हैं उनमें करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति का उजागर हो चुका है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये भ्रष्टाचार का जो जड़ है वो इतनी गहरी हो चुकी है सिस्टम में कि उससे उखाड़ पाना अब हर किसी के बस की बात नहीं है। देखिए, सरकार की योजनाओं को किस तरीके से पलीता लगाया जाता है वो यही अधिकारी सिखाते हैं, क्योंकि किसी भी टेंडर, किसी भी निर्माण कार्य के लिए या किसी भी तरह के सरकारी काम के लिए जब टेंडर जारी होता है, ठेकेदार उसे टेंडर भरता है, तो उस टेंडर भरने की प्रक्रिया से ही करप्शन शुरू हो जाता है और फिर हर एक ठेके में नियत राशि तय रहती है ऑफिस के प्यून से लगाकर ऑफिस के आला अधिकारी तक। तो यही बात जब साबित होती है कि यदि 1 करोड़ का टेंडर निकलता है तो निर्माण कार्य में ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 लाख रुपए खर्च होते हैं, 10 से 15 लाख रुपए ठेकेदार बचाता है और बाकी पूरी रकम जो है वो रिश्वत में चली जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ठेकेदार भी जब अपनी पेमेंट निकलवाने के लिए यानी कि सरकारी पैसा बिल निकलवाने के लिए जब अधिकारियों के चक्कर काटता है तो वह भी यह सोचता है कि चक्कर काटने से अच्छा है करप्शन कर दो, अच्छी खासी कम दे दो ताकि जल्दी बिल पास हो जाए। और यही इसी बात का फायदा जो है अधिकारी उठाते हैं। इस मामले में भी जब जो भोपाल के ऋषभ जैन के यहाँ छापा पड़ा उस मामले में भी यही हुआ था। जबलपुर का वो ठेकेदार है चंद्रभान विश्वकर्मा जिसकी शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। सिवनी जिले में जो जिला अस्पताल था उसका निर्माण कार्य उसका सुधार कार्य करने के लिए टेंडर जारी हुआ था जिसमें पूरा जो काम हो चुका था और उसके बाद बिल पास नहीं हो रहा था। लगातार अधिकारियों से चक्कर लगाने के बावजूद भी जब बिल पास नहीं हुआ तो उसे ऑफर किया गया कि आप इतनी रकम हमें दीजिए तो हम आपका बिल पास कर देंगे। उसके बाद उसने लोकायुक्त की शिकायत की और लोकायुक्त ने शिकायत की पर कार्रवाई करते हुए और जब छापा मारा तो इतनी बड़ी तादाद में जो है रकम बरामद हुई, सोना चांदी के जेवरात बरामद हुए, संपत्तियों की रिकॉर्ड बरामद हुई। तो ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये पहली बार ऐसा नहीं है, ये तमाम जो अधिकारी हैं ये लंबे समय से इस तरह का काम करते आते हैं। यही इसीलिए भी ज्यादा बड़ा हो जाता है कि हर बार इसी तरीके के मामले सामने आते हैं। सिस्टम की तरफ से ये बड़ी लापरवाही कहें या फिर अनदेखी कहें, ये भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि हर डिपार्टमेंट में विजिलेंस टीम पहले से मौजूद होती है, उसके बावजूद भी ऐसे मामले सामने आते हैं। बिल्कुल गुंजन, देखिए इस मामले में यही बात हुआ। देखिए, किसी भी निर्माण कार्य के लिए या सुधार कार्य के लिए जब पैसा जारी होता है तो उसकी पूरी मापदंड जारी होता है कि किसी भी अस्पताल या किसी भी बांध या किसी भी पुल पुलिया का निर्माण कार्य होना है तो उसमें कितनी रकम खर्च होनी है। और यही बात है कि जब हम हमेशा ये कहते हैं कि कोई पुल ढह गया या कोई अस्पताल की दीवार गिर गई या कोई किसी स्कूल की छत गिर गई तो उसका केवल और केवल अर्थ ये होता है कि उस निर्माण कार्य में करप्शन हुआ है। करप्शन हुआ है यानी कि तमाम अधिकारियों ने पैसा खाया है, क्योंकि जितना पैसा निकलता है उतना पैसा ईमानदारी से निर्माण कार्य में लगे तो निर्माण कार्य न केवल ठोस हो बल्कि सालों साल चले और पूरी ईमानदारी से इसमें काम हो। लेकिन ठेकेदार भी अपनी बचत करने के लिए, रिश्वत का पैसा खिलाने के लिए निर्माण कार्य में कटौती करता है, घटिया क्वालिटी इस्तेमाल करता है, जिसका नतीजा ये होता है कि अधिकांश निर्माण कार्यों में जो समय सीमा रहती है उसके पहले ही वो टूट जाते हैं और उसमें सुधार कार्य की जरूरत पड़ती है। तो कुल मिलाकर देखिए सिस्टम में सुधार की जरूरत है और ये सुधार निचले स्तर से होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब बात अधिकारी पर आती है या किसी और पर भी आती है तो वो ये कहता है कि इसका हिस्सा बटा हुआ था, यानी कि वो रकम केवल वो अकेला नहीं खाता, वो तमाम उन अधिकारियों को पास पहुंचाता जो इस काम में जुड़े हुए हैं। और यहां तक कि कई बार तो जनप्रतिनिधियों के तक नाम सामने आए हैं कि जो भ्रष्टाचार की जो बड़ी रकम होती है उसका हिस्सा जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाया जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं गुंजन कि किस स्तर से भ्रष्टाचार शुरू होता है, किस स्तर पर चला जाता है। और उसी सिस्टम में ये जो अधिकारी शामिल होते हैं वो अरबों रुपए खरबों रुपए कमाते हैं अपनी पूरी जिंदगी में और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आसानी से बिल्कुल अपने जीवन यापन करते हैं। बड़ी बात यही है ना कि ये पहला दूसरा मामला नहीं है, इससे पहले भी कितने मामले सामने आ चुके हैं और कितने ही अधिकारी ऐसे होंगे जो भ्रष्टाचार कर भी रहे होंगे, जितने कर्मचारी ऐसे होंगे, लेकिन उन पर कब कार्रवाई होगी? सबसे बड़ी बात, कार्रवाई में इतनी देरी क्यों होती है? और कुछ लोग तो सामने आ जाते हैं, कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो सामने भी नहीं आते होंगे। ठीक है, लौटूंगी दुर्गेश आपके पास। मिथिलेश भी हमारे संवाददाता इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आखिर कब तक ये धन कुबेर सामने आते रहेंगे और क्या इसी तरीके से कार्रवाई होती रहेगी? क्या इसको लेकर कुछ एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा या प्रॉपर एक कोई कानून नहीं बनाया जाएगा, कोई रूल नहीं बनाया जाएगा?
देखिए सिस्टम से सुधारना पड़ेगा, सिस्टम निचले स्तर से सिस्टम जिस दिन सुधारना चालू होगा उस दिन तक ऊपरी तक सारा सिस्टम सुधर जाएगा, फिर ये चीज बंद हो पाएगी। कानून की बात की जाए तो ईओडब्ल्यू है, लोकायुक्त है, पुलिस है, तमाम ऐसे कानून व्यवस्था है जो उनके ऊपर शिकंजा कसते हैं फिलहाल, लेकिन शिकंजा से इनको डर नहीं है। भ्रष्टाचारी जो अफसर है लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आए दिन ऐसे मामले लगातार प्रदेश से सामने आ रहे हैं, चाहे जबलपुर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो। और नगर निगम की बात की जाए, डीके जैन के यहाँ छापामार कार्रवाई हुई, डीके जैन के यहाँ से 25 से 26 संपत्ति ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो करोड़ों रुपए के बताते हैं। इन्होंने जमीन में इन्वेस्टमेंट किया था करीब 1989 में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, 20 सालों में इन्होंने काफी करोड़ों रुपए अर्जित किए भ्रष्टाचार से पैसे कमा के। तो देखा जाए तो ये भ्रष्टाचार के जो पैसे कमा रहे हैं इनको छूट कहीं कहीं आम जनता और सिस्टम से मिलता है। नगर निगम में आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे में काम होते हैं, चाहे भवन निर्माण के लाइसेंस हो, चाहे दूसरे प्रकार के लाइसेंस हो, हम भी जल्दबाजी में पैसे देकर अपना काम कराना चाहते हैं और जिसकी वजह से ये भ्रष्टाचार शुरू होता है और जो निचला सिस्टम तंत्र वो बिकाऊ चालू जाता है। एक चौकीदार प्यून से लेकर ऊपर तक के अधिकारी और राजनीति तक के लोग इस पूरे भ्रष्टाचार में शामिल है। फिलहाल सिस्टम सुधारने के लिए हमें भी जागरूक होना होगा और निचले स्तर से सिस्टम को बदलना पड़ेगा। जागरूकता तो मिथिलेश जरूरी है, लेकिन 20 साल से अगर इसी तरीके से धन कुबेर बैठे हुए हैं, आप ही ने बताया इंदौर का जो मामला सामने आया, 20 साल से वो धन अर्जित कर रहे थे, तो क्या अभी तक किसी को जानकारी नहीं लग पाई? क्या कार्रवाई इस मामले में पहले नहीं हो सकती थी? ২০১৯ में इनके खिलाफ शिकायत हुआ था, तब से इनके साथ 13 आरोपियों के खिलाफ जांच चल रही थी। करीब 2 साल तक जांच चलने के बाद में इनके ऊपर रेड डाला गया, इनके घरों में दबिश डाल के 26 दस्तावेज जब्त किए गए हैं। 13 बीघा जमीन मांडों में, 8 बीघा जमीन धार में, इंदौर में मकान, ऐसी काफी करोड़ रुपए की संपत्ति इनके पास अर्जित हुई है। तो इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के अधीनस्थ कार्रवाई चल रही थी, लेकिन 2 साल लंबा समय लगा जांच तक पहुंचने में और उसके छापेमार कार्रवाई की गई, फिर भी इन्हें डर नहीं है। देखा जाए कि अगर प्रदेश के अंदर कल एक बड़ी कार्रवाई की गई लोकायुक्त के द्वारा भोपाल, उसके बाद भी आए दिन में ऐसी तस्वीरें सामने आती है जहां पे भ्रष्टाचारी अफसर सामने आते हैं जो करोड़ों रुपए 20 साल 15 साल की नौकरी में अर्जित कर चुके हैं। इन्हें डर नहीं है सिस्टम का, इन्हें डर नहीं है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि इसके पहले जो भी कार्रवाई हुई है उसमें से कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनकी संपत्ति को अटैच किया गया है। इंदौर शहर की बात करूं मैं, नगर निगम से एक बेलदार असलम खान था जिसकी संपत्ति अटैच की, लेकिन उससे पहले 10 ऐसे लोकायुक्त के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है जिसमें 7 से 8 लोग के खिलाफ कोई संपत्ति अटैच नहीं हुई है। तो फिलहाल इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई नहीं होती है, कानूनी पचड़े में फंसे होते हैं, लंबे समय तक सुनवाई होती है, कोर्ट में मामला पेंडिंग रहता है, फिर कुछ दिनों बाद ये बहाल हो जाते हैं। इसके बाद इसलिए इनके अंदर खौफ नहीं है, वो खौफ नहीं है, सरकारी तंत्र पे भ्रष्टाचार इसलिए लगातार जारी रहेगा। और सबसे बड़ी बात है सिस्टम सुधारने के लिए हमें आगना होगा, आम जनता को आके जागरूक होना होगा, शिकायतें करनी पड़ेगी लगातार, तब जाके सिस्टम दुरुस्त हो पाएगा। ठीक है मिथिलेश। नितेंद्र, जिस तरीके से एक के बाद एक ये मामले सामने आ रहे हैं उससे यही लगता है कि पूरा का पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं हर तरफ से गलतियां हैं, हर तरफ से भ्रष्टाचार है जो एक ना एक दिन सामने आता है। लेकिन ये तो वो लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई, ऐसे कितने ही अधिकारी, कितने ही कर्मचारी नहीं होंगे जो अभी तक किसी की नजर भी उन पर नहीं पड़ी है, और छापेमारी वहां पर होना तो बहुत दूर की बात है, अभी तक किसी को जानकारी ही नहीं होगी। तो इसको लेकर क्या किया जा सकता है? क्या सरकार की ओर से एक इन्वेस्टिगेशन टीम जो टाइम टाइम पर इन्वेस्टिगेट करती रहे, क्या उसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता? क्या इस तरीके का कदम नहीं उठाया जा सकता? देखिए, अगर हम कार्रवाई की बात करें तो केवल 1% लोग भी ऐसे नहीं होते जिन पर भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई हो पाती है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे इंजीनियर इसी विभाग में होंगे और अन्य विभागों में और भी लोग अधिकारी हैं जो भ्रष्ट होंगे लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ कार्रवाई की इतनी लंबी प्रोसेस है कि पहले लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू में आप शिकायत करिए, फिर वो शिकायत का परीक्षण करेंगे, फिर वो उसकी जाँच करेंगे और उसके बाद यदि उन्हें कुछ लगता है तो वो उस पर छापामार कार्रवाई करेंगे या उस पर कुछ चीज़ें करेंगे। हमारे यहाँ तुरंत कार्रवाई नहीं हो पाती, उसके बाद भी होता है कि इस तरह के अधिकारियों के यहां जब छापा पड़ता है उस दौरान तो काफी मामला सामने आता है लेकिन उसके बाद इनकी प्रोसिक्यूशन की परमिशन नहीं मिलती, कई बार सरकार से कोर्ट में चालान पुटअप नहीं हो पाते और अंततः ये बच जाते हैं, ये छूट जाते हैं। तो उससे जो बाकी लोग हैं जिनमें एक डर बैठना चाहिए वो डर नहीं बैठ पाता, इसलिए भी होता है। तीसरा, हमारे यहां पब्लिक भी ऐसी है जो अपना काम कराने के लिए कहीं ना कहीं वो एक सस्ता या जिसे कहें कि आसान रास्ता ढूंढती है, तो वो भी इस तरह के अधिकारियों को प्रोत्साहित करती है। ऐसे कितने ठेकेदार होंगे जो इस तरह के लोगों को ट्रेप कराते होंगे कि वो पैसा देके, अगर वो पैसा मांग रहा है तो जैसे कल चंद्रवान ने ट्रेप कराया, ऐसे कितने ठेकेदार हैं। तो हमारे ठेकेदार भी आसान रास्ता अपनाते हैं कि वो इस तरह के अधिकारियों से मिल जाते हैं और ये कुल मिला के उससे होता ही है कि जो भी पैसा आ रहा है सरकार की योजनाओं का वो इस तरह के अधिकारियों की और ठेकेदारों की इनकी मिलीभगत से इनके जेबों में चला जाता है। तो इसलिए इसका सबसे अच्छा तरीका ये कि देखिए, हमारे यहाँ CBI है, लोकायुक्त है, ईओडब्ल्यू है,
इन सारी एजेंसियों ने ये बोल के भी रखा है, अपने नंबर भी दे रखे हैं कि यदि कोई आपसे पैसा मांगे या कोई चीज हो तो आप शिकायत करें, लेकिन हमारे यहाँ शिकायतकर्ताओं की कमी है। दूसरा ये होता है कि हमारे एक पुरानी कहावत है कि रिश्वत लेते पकड़े जाओ और रिश्वत देकर छूट जाओ, वो भी हमारे यहाँ लगातार चला आ रहा है कि इस तरह के लोग जब फंसते हैं या इनके यहाँ की संपत्ति मिलती है तब तो एक बड़ी हाइप क्रिएट होती है, लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई हुई इन पर वो सारी चीजें कुछ दिनों बाद दब जाती है, क्योंकि जो भी लोग इनकी जांच करते हैं वो भी दूध के धुले नहीं है। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। दुर्गेश, जो बात नितेंद्र ने कही है उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगर समझे, जो कार्रवाई का प्रोसेस है वो इतना स्लो है कि आगे अगला दूसरा तीसरा चौथा मामला ऐसा सामने आ जाता है, लेकिन पहले मामले में जो कार्रवाई होनी चाहिए ना तो वो कार्रवाई हो पाती है और धीरे धीरे वक्त के साथ पूरा मामला ढीला पड़ता जाता है, और शायद यही वजह है कि हिम्मत इतनी ज्यादा अधिकारियों की कर्मचारियों की बढ़ रही है और भ्रष्टाचार फैल रहा है। हाँ बिल्कुल गुंजन, ये एक वजह बहुत बड़ी है, लेकिन इसके पीछे एक बात ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि लोकायुक्त हो चाहे UW, कई बार शिकायतकर्ता भी एक समय आने पर पीछे हट जाता है। कई बार दोष भावना के तहत ये शिकायत की जाती है, कई बार किसी अधिकारी को फंसाने के लिए शिकायत की जाती है, या कई बार ऐसा भी होता है कि किसी दूसरे ठेकेदार या किसी दूसरे अधिकारी के कहने पर इस तरह की शिकायत की जाती है, और बाद में शिकायतकर्ता और जो आरोपी होता है उसके बीच समझौता हो जाता है और भाई ये केस ढीला पड़ जाता है। खासकर ये लोकायुक्त के मामले में ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि जब भी हमने लोकायुक्त अधिकारी से बात की है तो यही सवाल उनसे हमेशा करते हैं कि आखिरकार इतनी कार्रवाइयाँ होती हैं लेकिन वो अंजाम तक कितनी पहुँचती है, कितने ऐसे अधिकारी हैं जिनको आपने जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। तो उसमें उनका कहना यही होता है कि कई बार ऐसा होता है कि लंबे समय जब केस चलता है, मामला चलता है, तो उसमें शिकायतकर्ता जो है ढीला पड़ जाता है, यानी शिकायतकर्ता या तो अपने पर्याप्त सबूत नहीं देता है या गवाही में अपनी गवाही पलट देता है या फिर अधिकारियों से मिलकर दूसरा रास्ते से अपना कर केस को विड्रॉ कर देता है। तो ये तमाम जब बातें जब होती हैं तो उसके उस सिस्टम में ये होता है कि केस जो है वो कमजोर पड़ जाता है और फिर अधिकारी को जो है पर्याप्त सजा नहीं होती है, जितना वो दोषी है उसे उतनी सजा नहीं मिल पाती है, और यही इसी बात का फायदा जो है पूरा सिस्टम उठा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात गुंजन यहां पर मैं ये कहूंगा कि यदि आपको सरकारी तंत्र सुधारना है तो उसके लिए आपको गहराई में जाना होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि हम इसी मामले में देखें गुंजन, जैसे ऋषभ जैन के यहां पर छापा पड़ा, करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली, सोना चांदी के जेवरात मिले, ये उसने एक दिन में नहीं जुटा है, ये अपनी पूरी सरकारी नौकरी में लंबे समय से वो ठेकेदारों से या दूसरे जरिए से करप्शन करता आ रहा, तो उसने धीरे 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 अपनी संपत्ति जुटाई है। सबसे बड़ी बात यह है गुंजन, यदि सरकारी सिस्टम में एक बात यदि ये बात लागू हो जाए कि हर अधिकारी, हर एक ग्रेड एक क्लास या सेकंड क्लास के जो अधिकारी होते हैं, जो बड़ी पद पर बैठते हैं, जिनके साइन के बिना कोई भी बिल पास नहीं हो पाता, ऐसे अधिकारियों पर नजर रखनी चाहिए, ऐसे अधिकारियों की संपत्ति पर साल दर साल नजर रखनी चाहिए, उन्हें अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए एक सख्त कानून बनना चाहिए कि वो सरकार को ये बताएं कि उन्होंने अपनी अपनी सरकारी तनख्वाह से या ईमानदारी की कमाई से कितना संपत्ति बनाई है, किन अपने रिश्तेदारों या अपने परिवार के नाम पर क्या क्या चीज़ है। ये जब तक पारदर्शिता नहीं आएगी तब तक आप किसी भी सिस्टम में सुधार की नहीं रख सकती, क्योंकि अधिकांश हमने मामले में ये देखा है कि जो भी अधिकारी पकड़ा जाता है या तो उसके नौकर के नाम से संपत्ति खरीदता है या वो किसी दूसरे रिश्तेदार के नाम से खरीदता है, यहाँ तक कि हमने तो ये देखा है कि अधिकारी अपने पालतू जानवरों के नाम से तक संपत्ति खरीद लेते हैं। तो ऐसे लोगों पर यदि आप शुरुआत से ही निगरानी रखे या उनकी संपत्ति का हर साल ब्यौरा मांगे, लिखित में ये बात मांगे कि आपने कितना जुटाया है, कितना आपकी सेविंग है, तो ये सरकारी तंत्र में पारदर्शिता बनेगी और कहीं ना कहीं पर अधिकारियों के मन में भी खौफ बैठेगा। ये कानून सख्ती से लागू होना चाहिए और इसका पालन भी उतनी ईमानदारी से होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने नियम तो बना दिया और वो नियम भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो लागू की जा सकती हैं या करना चाहिए, तभी जाके आप लंबे समय से सुधार कर पाएंगे। हालांकि देखिए, सरकार की बात करें या लोकायुक्त की बात करें, UW की बात करें, तमाम एजेंसियों की जनप्रतिनिधि जब भी हम सवाल करते हैं कि भ्रष्टाचार आखिर खत्म क्यों नहीं हो रहा है, तो उनका सीधा सा जवाब यह होता है कि देखिए भ्रष्टाचार तो है लेकिन अब हम कार्रवाई कर रहे हैं, अब लोकायुक्त कार्रवाई कर रही है, अब EOW कार्रवाई कर रही है। आज से 20 साल 25 साल पहले इतनी लंबी या इतनी बड़ी कार्रवाइयां नहीं होती थी, इतनी हम कार्रवाइयां नहीं देखते थे कि किसी एजेंसी ने किसी अधिकारी पर छापा मारा, रेयर ऑफ द केस, बहुत साल में एक दो बार हम ऐसी किसी कार्रवाई को देखते थे, लेकिन अब ये कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं। तो इन कार्रवाइयों से कहीं ना कहीं अधिकारियों के मन में खौफ बैठता है और रिश्वत के मामले में थोड़ा सा ईमानदारी बरत स्थिति तब पैदा होगी ना जब कार्रवाई सही ढंग से होगी। आज तो कार्रवाई हो रही है इन तमाम मामलों पर, धीरे धीरे मामला ढीला पड़ता जाता है और बाकी के अधिकारियों की हिम्मत बढ़ती है, इसीलिए तो बार बार ऐसे मामले सामने आते हैं।
अब बिल्कुल गुंजन, देखिए जबलपुर का एक मैं उदाहरण बताऊं, आज से करीब दो से तीन साल पहले सुरेश उपाध्याय नाम की अधिकारी के घर छापा पड़ा था। और वो कब छापा पड़ा था? जब वो रिटायर्ड हो गया था, यानी रिटायरमेंट के बाद उसके घर छापा पड़ा। जब वो नौकरी पर था तब उसने कई करप्शन किए थे, 100 से 150 एकड़ तक की जमीन उसके नाम पर मिली। और रिटायरमेंट के बाद जो है ईयूडब्ल्यू ने उसके घर पर कार्रवाई की और कई शहरों में उसकी संपत्ति मिली थी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर जैसे शहरों में तक उसकी संपत्तियां मिली थी। और अभी भी वो केस चल रहा है लेकिन नतीजे पर नहीं पहुंचा है। और यही सबसे बड़ी बात है कि जब भी ऐसी कार्रवाई होती है वो त्वरित तौर पर तो बहुत बड़ी कार्रवाई दिखती है लेकिन उसके बाद क्या होता है ये स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया। हालांकि कुछ नियम में बदलाव जरूर हुए हैं गुंजन। यहाँ पर हमने लोकायुक्त अधिकारियों ईयूडब्ल्यू अधिकारियों से जब बातचीत करते तो उनका ये कहना रहता है कि कई शुरुआत में जब ऐसे मामले आते थे तो उसमें संपत्ति रास्ता धोने में बहुत वक्त लग जाता था लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि जैसे ही ये साबित हो जाती है कि ये काली कमाई है, ये गलत तरीके से कमाई गई है तो उसके एक नियत समय तय कर दिया गया है और उसके अंदर अंदर वो रास्ता धो जाएगी। तो जब ऐसी कार्रवाइयाँ लगातार होंगी, लगातार ठोस कार्रवाइयाँ होंगी और सबसे बड़ी बात वो कार्रवाइयाँ अंजाम तक पहुंचेगी और उसका टाइम पीरियड कम होना चाहिए, सालों साल नहीं चलना चाहिए ऐसे मामले। सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है दुर्गेश, अधिकारी बने रहिए, आप नितेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। नितेंद्र, हाल ही में गृह मंत्री को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा है कि इस तरीके के अपराधियों को जो अधिकारी हैं जो इस तरीके की भ्रष्टाचार में लिप्त है जीरो टॉलरेंस उनको लेकर रखा जाएगा। क्या लगता है गृह मंत्री के इस बयान के बाद सरकार भी इसको गंभीरता से ले रही है और आगे इस तरीके के मामले सामने ना उसको लेकर काम करती हुई नजर आ रही है? देखिए यह बराबर कहा जाता है, लगातार कहा जाता है। अगर आपको याद हो तो जब 2013 के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहली ही बैठक में कहा था कि जीरो टॉलरेंस की हमारी पॉलिसी होगी, हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं जो गलत है। गृह मंत्री ने भी आज उसी बात को दोहराया है। मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कहते आए हैं कि हम किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को नहीं बख्शेंगे और हम ये भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके के कानून बनाए गए हैं संपत्ति रास्तात करने के, जो भी कानून बनाए गए हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं कि भ्रष्टों पर कार्रवाई हो। लेकिन कार्रवाई करने वाले जो लोग हैं, कार्रवाई वाले तो अधिकारी ही होते हैं। और दूसरा जो भ्रष्टाचार है वो इस तरीके से हो गया है क्योंकि अगर कोई ठेकेदार, जैसे एक ठेकेदार ने मान लिया किसी को ट्रेप कराया, आप कभी इस बात का इन्वेस्टिगेशन करके देखें तो पता चलता है कि उस ठेकेदार को उसी डिपार्टमेंट से काम मिलना बंद हो जाता है। मतलब जो बाकी अधिकारी हैं और जो बाकी इंजीनियर हैं, जो ठेकेदार किसी इंजीनियर को रिश्वत लेते पकड़वा दे उस ठेकेदार को काम मिलना बंद हो जाता है, उससे बात करना बंद कर देते हैं कि ये तो इस तरह का काम करता है, तो हमको पकड़वा देता है रिश्वत लेते। तो मुख्यमंत्री या गृह मंत्री, इनकी मंशा ठीक हो सकती है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन जिनको नीचे करना है, जो अधिकारियों को नीचे करना है, जब तक उनकी मंशा ठीक नहीं होगी तब तक भ्रष्टों पे कार्रवाई मुश्किल है। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी लोग हैं जिनसे रिश्वत मांगी जाती है, जब तक वो आसानी से रिश्वत देके अपने काम कराते रहेंगे तब तक भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई बहुत मुश्किल है क्योंकि उनको ही सामने आना पड़ेगा कि कौन उनसे पैसा मांग रहा है। इसी चीज की सरकार को जब आपको दिख रहा है कि लोग इतने बड़े बड़े मकान बना रहे हैं 10-10 साल, और अधिकारी कर्मचारी हर एक वर्ग को बदलाव की जरूरत है क्योंकि अगर इसी तरीके से मामले सामने आते रहेंगे, सरकार की ओर से तमाम चीजें कही जाए लेकिन बदलाव की जरूरत पूरे सिस्टम को नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र, आपका भी, दुर्गेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं छापेमारी की, ये तस्वीरें हैं ग्वालियर में, आज छापेमारी चल रही है, बेनामी संपत्ति वहां से सामने आई है, एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। जो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, निगम लेखपाल संतोष शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, ग्वालियर का उनका यह आवास जहां की ये तस्वीरें हैं, लगातार छापेमारी वहां पर चल रही है। लोकायुक्त की 3 टीमों ने छापेमारी की है, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है, घर से करोड़ों के गहने भी जब्त हुए हैं। और अब ये देखिए दूसरी तस्वीर, ये मुरैना की तस्वीर है जहां पर छापेमारी की गई है, कई संपत्तियां बताई जा रही हैं, ग्वालियर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, ये मुरैना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 टीमों ने छापेमारी लोकायुक्त की ने की है, संतोष शर्मा के घर से करोड़ों के गहने भी जब्त हुए हैं, गहनों की कीमत जानने के लिए स्वर्णकार को बुलाया गया है, यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी मात्रा में ये बेनामी संपत्ति उनके नाम से थी। छापेमारी के दौरान टीम को नगदी भी मिली है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी संतोष शर्मा रह चुके हैं जिनके यहाँ पर अभी कार्रवाई चल रही है, ग्वालियर के उनके आवास पर भी छापेमारी की गई है, इसके साथ साथ मुरैना की भी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, मुरैना में भी उनके आवास पर छापेमारी की गई है। तो देखिए सवाल यह है कि आखिर इसी तरीके से कब तक धन कुबेर सामने आते रहेंगे। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं,
इंदौर का भ्रष्ट इंजीनियर लोकायुक्त की टीम ने वहां पर छापेमारी की, 2.25 किलो चांदी उसके पास से बरामद हुई थी। भोपाल में भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एनआरएचएम के अधिकारी ऋषभ जैन के ठिकानों पर छापा मारा गया। निगम लेखपाल संतोष शर्मा के ठिकानों पर भी मुरैना में छापेमार कार्रवाई की गई है। कार्रवाई वहां पर अभी भी चल रही है। लोकायुक्त की 3 टीमों ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान करोड़ों की संपत्ति का खुलासा अभी तक हो चुका है। बाकी शाम तक वहां पर छापेमारी होगी और काफी कुछ सामने आ पाएगा। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।